हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी दुनिया। गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ टेक न्यूज़ के बारे में, तो चलो देर नहीं करते, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की कुछ लेटेस्ट खबरों के बारे में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, अगर सबसे पहली न्यूज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट को लास्ट वीक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ पर एक बहुत बड़ा बग मिला, जिसको सॉल्व करते हुए, जिसको फिक्स करते हुए उन्होंने एक अर्जेंटली अपडेट पुश आउट करा है एंड यूज़र से कहा है कि जल्द से जल्द वो अपने विंडोज़ पीसी को अपडेट कर ले, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी इशूज़ आते हैं, उनसे वो बच कर रहे। एंड कल रात को मुझे अपडेट मिला था, मैंने अपडेट कर लिया। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं कराया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो जल्द से जल्द जाकर अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें। गाइज, एप्पल की तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है। जो एप्पल का मैकबुक एयर M2 चिप वाला लैपटॉप था, वो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में देखने को मिल सकता है। साथ साथ इसके काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ग्रीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, येलो, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, ब्लू, सिल्वर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड गाइज, एक और खबर निकल कर ये आ रही है कि जो एप्पल मैकबुक प्रो वाला लाइनअप था, उसमें जो टच बार वाला फंक्शंस देखने को मिलता था, उसको एप्पल रिमूव करने वाली है एंड वापस से ट्रेडिशनल कीज फंक्शंस लाने वाली है। अगली खबर के बारे में बात करें तो अगली खबर आ रही है रियलमी की तरफ से, और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है रियलमी की तरफ से कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 15K के ऊपर, मतलब कि 15,000 रुपये के ऊपर जितने भी स्मार्टफोन्स अब वो इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, वो सारे के सारे 5G स्मार्टफोन्स होने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड जो भी 4G स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, वो 15,000 से नीचे देखने को मिल सकते हैं। और रियलमी ने ये भी अनाउंस करा कि बहुत जल्द वो 10,000 के नीचे भी एक 5G स्मार्टफोन ला सकती है। गाइज, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होगे तो आपने ये न्यूज़ पढ़ाई होगी, OnePlus अपने बेंचमार्क स्कोर्स को मैनिपुलेट करता था, जिसके वजह से उसे Geekbench से डीलिस्ट कर दिया गया। एंड दो दिन पहले एक वेबसाइट है आनंद टेक करके, उन्होंने ये बोला था कि OnePlus काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के परफॉर्मेंस को लिमिट करता है, जिसके वजह से एप्लीकेशंस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। एंड आज OnePlus ने उसे कंफर्म कर दिया कि हाँ, वो ऐसा करते थे, क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 की वजह से हीटिंग इश्यूज आते थे। एंड काफ़ी सारे यूजर्स के फीडबैक के बाद उन्होंने ऐसा स्टेप लिया था ताकि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हो सके एंड बैटरी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर बन सके। भले ही उन्होंने अच्छे कॉज के लिए करा, लेकिन उन्होंने ये सच छुपाया था अपने यूजर्स से, तो ये बहुत गलत बात है। एंड काफ़ी सारे लोग बोल भी रहे थे कि ऐसा OnePlus को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से काफ़ी सारे एप्लीकेशंस अपना पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। गाइज, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूज़र हो तो हो जाओ सावधान, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चाइनीज़ हैकर्स जो है वो आपको टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो चाइनीज़ हैकर है वो आपके स्मार्टफोन पर एक मैसेज कर रहे हैं, उस मैसेज में एक लिंक होता है जो कि बिल्कुल सिमिलर उस वेबसाइट पर ले जा सकता है जो कि SBI की ऑफिशियल वेबसाइट की तरह लगता है। एंड जैसे ही वहाँ पर आप लॉग इन करते हो, डिटेल्स वगैरह डालते हो, तो हो सकता है आपका जो डिटेल्स है वो दूसरे एंड पर चला जाए एंड वहाँ पर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो आप सावधान रहना, कोई भी ऐसा मैसेज आए उस पर ऐसे ही क्लिक मत कर लेना कि आपको KYC अपडेट करना है या फिर कुछ ऐसा डिटेल्स डालना है जो कि आपके बैंक अकाउंट के लिए ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नियरेस्ट बैंक पर विजिट करो एंड वहाँ पर अपना इशूज़ बताओ एंड वहाँ पर वो लोग सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे ही कोई भी लिंक पर प्लीज़ मत क्लिक करना। दोस्तों, Xiaomi बहुत जल्द Mi Mix 4 लॉन्च कर सकती है एंड बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कैमरा होने वाला है वो अंडर डिस्प्ले होने वाला है, जो कैमरा रहेगा ना वो इनविजिबल रहेगा। एंड यहाँ पर Xiaomi क्लेम करी कि इस स्मार्टफोन में काफ़ी सारे और भी फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब देखना ये कि Xiaomi कब इस स्मार्टफोन को लेकर आती है और क्या क्या नए फीचर्स हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। गाइज, अगर आप iPhone 13 Pro Max का इंतज़ार कर रहे हो, पता नहीं आप में से कौन कौन इंतज़ार कर रहा है, काफ़ी महंगा फ़ोन होने वाला है। iPhone 13 Pro Max का अगर इंतज़ार कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पर जो iPhone 13 Pro Max है उसमें बड़ा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलने वाला है। और बड़े कैमरा मॉड्यूल का मतलब है कि बड़ा कैमरा सेंसर, और बड़े कैमरा सेंसर का मतलब है कि आपको इमेजेस क्वालिटी जो देखने को मिलेगी वो और भी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी और लो लाइट में और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली देखना ये है कि iPhone 13 Pro Max कब आता है एंड यहाँ पर इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि iPhone 12 Pro Max जो था वो काफ़ी ज़्यादा और बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन माना जाता था। अब देखना यह कि कब एप्पल इसे लॉन्च करती है इंडिया में। तो गाइज, फाइनली काफ़ी अरसों के बाद पोको ने अनाउंस कर दिया कि पोको F3 GT इंडिया में आने वाला है। दूसरा पोको F सीरीज का स्मार्टफोन है जो कि इंडिया में आने वाला है। पहला पोको F1 था जो कि मेरा फेवरेट स्मार्टफोन था एंड उसे मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा एंड मैंने उसे रगड़ दिया था, सच बता रहा हूँ, मैंने एक्सट्रीमली उसे यूज़ करा। एंड जनवरी में उसने गिव अप कर दिया एंड बोला कि भाई मुझे बदल लो अब, तो मैंने मजबूरी में मैंने पोको F3 का
इंतज़ार करा, वो कंपनी लॉन्च नहीं करना चाहती है, पता नहीं क्यों। इंडिया में कोई भी चीज़ बाद में आता है, जब उसका मतलब दूसरे मार्केट्स में वो चलना बंद हो जाता है तब इंडिया में वो आता है। तो बेसिकली मैंने MI 10T Pro लिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त, एंड यही एक स्मार्टफोन था जो कि मेरे बजट में आ रहा था। और यहाँ पर POCO F3 GT मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी बोला था कि अगस्त 8 से पहले लॉन्च हो सकता है, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लो, एंड हो सकता है बहुत जल्द POCO इसे लॉन्च कर दे। अब देखते हैं कैसा स्मार्टफोन होने वाला है, बेसिकली एक रीब्रांडेड वर्जन ऑफ Redmi K40 गेमिंग एडिशन होने वाला है, तो अब देखना ये है कि कब कंपनी इसे लॉन्च करती है इंडिया में। तो Amazon की तरफ से ये खबर निकल कर आ रही है कि Amazon प्राइम डे सेल की शुरुआत होने वाली है 26th of July से, और 27th of July तक ये चलेगा, और यहाँ पर 300 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं इस सेल के दौरान, और साथ साथ काफ़ी सारे डिस्काउंट और डील्स देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करना है ना, तो प्लीज़ मेरा अफिलिएट लिंक इस्तेमाल करके शॉपिंग करना, जिससे मेरी चैनल की मदद हो जाएगी। इस मदद से मैं आप लोगों के लिए और भी रिव्यूज़ लाता रहूँगा। चलो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो गाइस, OnePlus ने अनाउंस कर दिया कि वो जुलाई 22 को अपना नया स्मार्टफोन OnePlus Nord 2 5G लॉन्च करने वाली है Amazon पर। और यहाँ पर एक टिप्स्टर है, उन्होंने ये बताया कि चाइना में इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग समवेयर अराउंड 23,000 रुपीज़ के आसपास होने वाली है, मतलब कि 23,000 रुपये के आसपास होने वाली है। अब देखना ये कि ये स्मार्टफोन इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर आता है, मुझे लगता है 25,000 रुपीज़ के आसपास रहने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर जो OnePlus Nord हुआ था लॉन्च, वो 25,000 रुपीज़ से लेकर 30,000 रुपये के अंदर मिलता था। तो अब देखना ये है कि ये स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर आता है, और क्या स्पेसिफिकेशंस और क्या ऑफर ये हमें देता है। गाइज, अगर आप जियोफोन नेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हो, तो बेसिकली इसकी सेल की शुरुआत सितंबर 10 से होने वाली है, और इसकी प्राइस समवेयर अराउंड 2500 टू 3000 रुपीस के आसपास हो सकती है, एंड अगर ऐसा होता है तो ये मार्केट को डिस्टर्ब कर देगा। दोस्तों, अगर आप प्लेस्टेशन के शौकीन हो, और अगर आपने पिछले सेल्स में प्लेस्टेशन मिस कर दिया है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि जुलाई 12 को यहाँ पर इसका रीस्टॉक होने वाला है, एंड इसे आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, और इस बार आप करीब 8 प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हो। तो शॉप एट सोनी सेंटर से खरीद सकते हो, अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, विजय सेल्स, रिलायंस डिजिटल, प्रीपेड गेम कार्ड, गेम्स द शॉप से खरीद सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, वो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एम करते हैं 50 लाइक्स के लिए, एंड बहुत ज़्यादा थक गया हूँ वीडियो बनाते बनाते, बिकॉज अभी मैंने वीडियो शूट करा है, एंड इसके बाद मुझे एडिट भी खुद ही करना है, एंड सब कुछ एक आदमी को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एडिटिंग में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, दो घंटे ढाई घंटे लग जाते हैं, वीडियो बनाने में करीब 5 घंटे का वक्त लग जाता है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरे वीडियो में आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। तो मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।